शराबबंदी से खुलेगी किस्मत। जी हां, इन विवादों के बीच नीतीश कुमार 15 मई को लखनऊ में शराबबंदी को लेकर महिलाओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो झारखंड में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार आधी आबादी के सहारे दिल्ली का सफर आसान करना चाहते हैं। हम 15 मई को लखनऊ जा रहे हैं महिलाओं का सम्मेलन। हम सब सवाल पूछेंगे कि शराब का आपका खपत कहां से बढ़ाने की तरफ है। बिहार में शराब बंद हो गया तो यूपी में ज्यादा लोगों को शराब पिलवाइएगा। चारों तरफ विरोध हो रहा है, लोग मुगालते में न रहे। अब लोग यही सोच रहे हैं कि अगर बिहार में शराब बंद हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं, बिहार में बंद हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं, बिहार में बंद हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं, हर राज्य में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की पूरी कामयाबी को लेकर अभी भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन शराबबंदी के सहारे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के सियासी सफर में कामयाबी हासिल करने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी के फॉर्मूले को बिहार से बाहर भुनाते हुए सियासी हसरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी के सहारे बिहार की तर्ज पर बिहार से बाहर भी नीतीश महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश में जुटने वाले हैं। नीतीश ने इस अभियान की शुरुआत अगले महीने यूपी और झारखंड से करने का ऐलान कर दिया है। हम 15 मई को लखनऊ जा रहे हैं महिलाओं का सम्मेलन। हम सब सवाल पूछेंगे कि शराब का आपका खपत कहां से बढ़ाने की तरफ है। बिहार में शराब बंद हो गया तो यूपी में ज्यादा लोगों को शराब पिलवाइएगा। चारों तरफ विरोध हो रहा है, लोग मुगालते में न रहे। अब लोग यही सोच रहे हैं कि अगर बिहार में शराब बंद हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं, बिहार में बंद हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं, बिहार में बंद हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं, हर राज्य में। नीतीश के इस अभियान को उनके पार्टी नेताओं का पूरा समर्थन है, लेकिन विरोधी दल इसे नीतीश की अति महत्वाकांक्षा बता रहा है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है तो नीतीश कुमार जी को हर लोगों ने अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और एक विकल्प के रूप में नीतीश कुमार जी का नाम बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अलग सवाल है। लेकिन देश में एक सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा हथियार नीतीश कुमार जी बने। इनका मकसद शराब बंद न करके बल्कि इनका राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और दिल्ली जाने का जो ख्वाब दिख रहे हैं कोई पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि बिहार की जो सरकार नीतीश कुमार है उनकी अपनी सरकार नहीं है, ये बैसाखी पर चलने वाली सरकार अल्पमत की सरकार है, और इससे इनसे ज़्यादा उम्मीद करना उचित मैं नहीं मानता हूँ। नीतीश ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आधी आबादी के वोट बैंक पर उनका कब्जा हो जाता है तो दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन सियासत में कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण भी काम करते हैं। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना।